गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन ब्यूटी टॉकीज। गाइस, आज के ज़माने में ड्राई स्किन, डल स्किन, पिगमेंटेशन, लैक ऑफ ग्लो, ओपन पोर्स एंड अनइवन स्किन टोन, इन सबसे सभी लोग परेशान हैं। सभी लोग इनसे फ्रीडम पाना चाहते हैं और वो लोग काफ़ी पैसा और अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं, फिर भी उनको मनचाहे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो गाइस, कैसा रहेगा यदि मैं आज आपको ऐसे प्रोडक्ट से मिलवा दूँ जो आपका मतलब टाइम भी बचेगा, आपका पैसा भी बचाएगा और क्या नाम है, आपको मन चाह रिजल्ट भी देगा। हेल्दी, ग्लोइंग, हाइड्रेट, पिगमेंटेशन फ्री, इवन स्किन मिलेगी। जो टोटल हेल्दी स्किन यदि आपको चाहिए तो उसके लिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है। उससे आपका टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा और आपको विजिबल रिजल्ट्स भी मिलेंगे। तो गाइस, मेरे पास ये वो प्रोडक्ट है, तो यही है वो मैजिकल प्रोडक्ट जिसकी मैं बात कर रही हूँ। गाइज, ये हैं शीट मार्क्स जो आते हैं मिस क्लेयर ब्रांड की ओर से। ये देखिए, ये मिस क्लेयर ने अपने ये शीट मार्क्स रिसेंटली लॉन्च किए थे नायका पर। मैंने इनको वहाँ से मंगवाया था और मुझे लगता है मैंने इनको एक महीने से भी ज़्यादा हो गया है जब मैंने इनको मंगवाया था। इन पर गाइज ये लॉन्च ऑफर था बाय 5 get 5 का, तब मैंने इनको मंगवाया था और इसमें से मैं 3 शीट मार्क्स यूज़ कर चुकी हूँ। उनका रिज़ल्ट मुझे बहुत इफ़ेक्टिव लगा, अमेजिंग लगा, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं इनका रिव्यू आपके साथ शेयर करूँ। तो गाइस, आइए देखते हैं इनका एक क्विक रिव्यू। तो गाइस, मेरे पास यहाँ पर सारे शीट मार्क्स अभी अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं मेरे पास टोटल 8 शीट मार्क्स हैं और इसमें से मैंने 2 शीट मार्क्स ऑलरेडी यूज़ कर लिए हैं। चलिए इनकी पैकेजिंग की बात करते हैं। तो देखिए, इनकी पैकेजिंग काफ़ी क्यूट है। यहाँ पे हैंग करने के लिए होल दिया गया है, इससे आप इजीली इनको अपने वॉशरूम वगैरह में हैंग कर पाएंगे और इजीली यूज़ कर पाएंगे। और आप देखिए इस तरह से इनकी पैकेजिंग है। इनके अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट जो है वैराइटीज़ मिल जाती हैं, जैसे कि ये ग्रीन टी वाला है, ये एंटी ऑक्सीडेंट है, सी बक्टॉन वाला, एंड ये है स्किन रिजुवेनेटिंग वाला ब्लूबेरी के साथ। ये आता है पोर केयर के लिए और ये आपको मिल जाएगा मॉइस्चराइजिंग के लिए, जिनकी स्किन बहुत ड्राई होती है उनके लिए बहुत इफ़ेक्टिव रहेगा। तो गाइस, आप अपनी अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, आपकी स्किन में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके हिसाब से आप इन शीट मास्क को चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ग्रीन टी वाला है, आप सभी को पता होगा कि ग्रीन टी ऑयली स्किन के लिए कितनी अच्छी होती है और जो पिंपल वाली स्किन होती है उनके लिए बहुत बेस्ट होती है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मेड इन कोरिया। गाइस, सारे शीट मार्क्स जो हैं वो कोरिया से ही पॉपुलर हुए हैं। कोरियन गर्ल्स हमेशा ऐसे ही शीट मार्क्स का हमेशा यूज़ करती हैं, इसीलिए वो इतनी ब्यूटीफुल होती हैं। ये शीट मार्क्स क्या करते हैं, इनके अंदर हाइड्रा क्योर कॉम्प्लेक्स होता है, ये आपकी स्किन को फुली हाइड्रेट करते हैं, मॉइस्चराइज करते हैं। और यदि आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी तो आपकी स्किन में जो है फाइन लाइंस नहीं आएंगी, उसका ग्लो बरकरार रहेगा और काफ़ी अच्छी आपकी स्किन रहेगी। चलिए इसके बैक में देखते हैं। तो यहाँ ऊपर देखिए, इसका नेट वेट है 25 ml, इसका MRP है 99 rupees। और यहाँ पे ग्रीन टी के जो क्वालिटीज़ हैं वो मेंशन की गई है। यहाँ पे जो यूजिंग मेथड दिया गया है, इसको कैसे यूज़ करना है, तो गाइस इसको आफ्टर क्लेंजिंग एंड टोन द स्किन, आपको अपनी स्किन को क्लियर मतलब साफ़ करके और टोनर अप्लाई करके आपको इसको जो है अप्लाई करना है। और आपको इसको अपनी स्किन पर 10 to 15 minutes के लिए लीव करना है। उसके बाद आपको इसको स्किन में पैड ड्राई करना है, इसको ऑब्जर्व कराना है, आपको इसको वॉश नहीं करना है। यहाँ पे इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, तो गाइस काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और इनका रिज़ल्ट, मैंने इनको यूज़ किया, मुझे काफ़ी पसंद आए। चलिए मैं आपको इनका एक क्विक डेमो दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पे गुलाब जल लिया है। गुलाब जल को मैं एक कॉटन पैड पे लेकर के जस्ट अपने फेस को गीला करने के लिए अप्लाई कर रही हूँ और मेरा कोई दूसरा पर्पस नहीं है। गाइस, मैंने अपने फेस को थोड़ा सा वेट किया है, इसके बाद मैं अपने फेस को स्क्रब करूँगी लोटस के स्क्रब से। मैंने बहुत थोड़ा सा स्क्रब लिया है क्योंकि मुझे अपने फेस को बस हल्का सा स्क्रब करना है 1 मिनट के लिए। इससे क्या होगा कि मेरे जो पोर्स हैं वो ओपन हो जाएंगे और मेरी स्किन जो है सॉफ्ट हो जाएगी, फ्लेकी स्किन आउट हो जाएगी।
ड्राई स्किन भी चली जाएगी, इसीलिए मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद जब मैं शीट मास्क अप्लाई करूँगी तो वो मेरी स्किन के डीपली वर्क करेगा, पोर्स के अंदर तक उसका जो सीरम है वो पहुँचेगा, जिससे कि मेरी स्किन को जो हाइड्रेशन है, नरिशमेंट है, वो और भी बेटर मिलेगी। इसीलिए मैं ये वाला स्टेप करती हूँ हमेशा। अब मैंने इसको साफ़ कर लिया है, अब मैंने दोबारा से रोज़ वाटर अप्लाई किया है अपने फेस को टोन करने के लिए। इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी शीट मास्क। तो मैं चूज़ कर रही हूँ मुझे कौन सा यूज़ करना है, तो मैंने यहाँ पे ये एंटी ऑक्सीडेंट वाला शीट मास्क लिया है। अब मैं इसको अपने फेस पर अप्लाई करूँगी। देखिए गाइज, ये शीट मास्क आपको आपके फेस की शेप में मिलता है। इसमें आपके फेस के जो आपके जो नाक नक्स होते हैं उसके बिल्कुल कटिंग बनी हुई होती है। आप देखिए, आप अपने जो हेयर्स वगैरह हैं वो पीछे कर लें ताकि कोई भी इसके बीच में ना आए। और गाइज, ये जो शीट मास्क होता है ये बिल्कुल फुलफिल होता है सीरम से। इसके अंदर हाइड्रा कॉम्प्लेक्स सीरम होता है, ये बिल्कुल उससे फुलफिल होता है। गाइज, आपको इसको बिल्कुल हल्के हाथों से लेना है और बस आपको इसको अपने फेस पर, अपने फेस के हिसाब से इसको बिल्कुल एडजस्ट कर देना है, इसको चिपका देना है। देखिए, मैंने इसको अच्छे से अपने फेस पर अप्लाई कर लिया है। गाइज, इसको अप्लाई करने के बाद आपको कम से कम 20 मिनट तक रेस्ट करना है। और मैं तो कहती हूँ कि आप लेट जाइए, आप घूमिए मत। यदि आप घूमेंगे तो ये आपके फेस से हट जाता है, यदि आप लेट के बिल्कुल रेस्ट करेंगे तो ये आपकी स्किन पर बना रहेगा। सो गाइज, 20 मिनट्स हो चुके हैं, अब मैं इसको धीरे धीरे रिमूव करूँगी। और गाइज, आपको इसको वॉश नहीं करना है, आपको इसको पैट पैट करके अपनी स्किन के अंदर ऑब्जर्व कराना है, इसको आपको वॉश नहीं करना है। देखिए गाइस, बिल्कुल विजिबल रिजल्ट मिले हैं, बहुत अच्छा ग्लो आया है मेरे फेस पर और मेरी स्किन काफ़ी इवन हो गई है। पहले अनइवन स्किन थी। गाइस, यदि आप भी डल, ड्राई, पिगमेंटेशन वाली स्किन से परेशान हैं तो आप इस प्रोडक्ट को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। गाइस, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। सो गाइस, देखा आपने, ब्यूटीफुल स्किन पाना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते थे, बहुत इजी है। बस आपको ये दो चार स्टेप फॉलो करने हैं। गाइस, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो आज का पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ क्या सोच रहे हो, जल्दी से इस वीडियो को कर दो लाइक और इसको शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को कर दो फटाक से सब्सक्राइब। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।